हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर सिक्स में बेटा आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। तो डायग्राम में आपको वाई एक्सिस पे फोर्स है एफ ऑफ एक्स, जो वेरी होता है अकॉर्डिंग टू दी डिस्प्लेसमेंट। तो कोई पार्टिकल का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स आई देता है और फाइनल डिस्प्लेसमेंट एक्स एफ देता है, ठीक है। और यहां पे जो हमने लिया है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें इसमें फाइंड करना है। तो यहां पे अपना एरिया, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो y एक्सिस मतलब f ऑफ x और स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया है कितना, डेल्टा x थीटा, ठीक है। तो अगर वर्क डन फाइंड करना है इसमें, फर्स्ट लिखते हैं यहां पे इफ डिस्प्लेसमेंट इज टू स्मॉल एज डेल्टा एक्स, देन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ओके। चलो इसमें अगर टोटल वर्क डन हमें फाइंड करना है, तो टोटल वर्क डन दैट मींस डब्ल्यू सिग्मा, कहां से स्टार्ट करेंगे, इनिशियल एक्स आई, फाइनल कितना होगा एक्स एफ जितना, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक, मतलब टोटल वर्क डन इसमें फाइंड करना है, ओके। चलो यहां पे क्या लेंगे, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू, इन शॉर्ट जितने डेल्टा डब्ल्यू है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क सबका आप सम करोगे तो आपको मिलेगा टोटल वर्क, क्या मिलेगा टोटल वर्क डन। तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू है हमारे पास एक्स आई एक्स एफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये हो गया डब्ल्यू, ठीक है। चलो अभी यहां पे टोटल वर्क डन लेने के लिए हम लिमिट भी अज्यूम करते हैं, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लेंगे, क्योंकि हमें डेल्टा एक्स जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो सिग्मा एक्स आई से लेके एक्स एफ तक एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, सो दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू, याद रखो लिमिट और सिग्मा ये दोनों जब मर्ज हो जाएंगे तो इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स आई से एक्स एफ और एफ ऑफ एक्स है और लिमिट हट जाएगी, दैट मीन्स ये बच जाएगा dx, है समझ में। तो टोटल वर्क डन, हम टोटल वर्क डन का ये फॉर्मूला, ओके। तब जब वेरिएबल फोर्स हम ले इसमें से टोटल वर्क डन अगर फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला है, तो टोटल वर्क डन का अगर डायग्राम अभी ड्रॉ करना है न्यू डायग्राम तो इसे ड्रॉ कर सकेंगे, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन था पूरा टोटल हो गया, मतलब एक्स आई से लेके एक्स एफ तक का ये पूरा कवर हो गया, और ये वर्क और ये डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस टोटल वर्क डन हो गया, है समझ में। वैसे एक थ्योरी हमने देखी थी वर्क एनर्जी थ्योरी, वर्क एनर्जी थ्योरम, बट ये वेरिएबल फोर्स के लिए कंसीडर करते हैं। तो इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल इज वन ऑफ एमवी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू वन ऑफ एमवी स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम
इसका डिफरेंशिएशन करो, मतलब डीके बाय क्या होगा, डीटी वन ऑफ एम तो कांस्टेंट है, और डेरिवेशन किसका होगा, डी बाय डीटी, ओनली डी स्क्वायर का डेरिवेशन होगा। आया समझ में? क्योंकि मास और टाइम, सॉरी मास और 1/2 ये तो दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म तो बाहर निकल गए। यहां पे आ गया अपने पास डीके बाय डीटी 1/2 m। याद करो डेरिवेशन में एक पावर आगे, पावर में से एक कम, मतलब 2v हो गया, और एक इसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे थे t के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर टर्म क्या है हमारे पास v है, इसलिए v का डेरिवेशन फिर से करना पड़ेगा, इसको चेन रूल बोलते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से 2 कैंसिल, तो dk by dt इज इक्वल टू mv, और v का t के रिस्पेक्ट में दैट मींस एक्सेलरेशन होगा, तो dk by dt इज इक्वल टू ma इंटू हो गया v। अभी फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट मींस तो हो गया फोर्स। आया समझ में? तो फोर्स इंटू v हो गया, यही टर्म को आगे बढ़ाते हैं, तो फिर से एक बार रिपीट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि dk by dt, यहाँ पे टर्म कौन सा था, dk by dt इज इक्वल टू f इंटू v। तो v को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, that's why dk by dt is equal to f into dx by dt. So, dt dt cancel, so dk is equal to f into dx, okay। अभी dk है वो तो small amount of energy, इसको total करना है, तो यहाँ पे इनिशियल लेंगे काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू डीके, वैसे ही सेम f तो कांस्टेंट है, एक्स आई और एक्स एफ, 1 इंटू dx लिख सकते हैं। चलो 1 जो है उसका अगर आप डेरिवेशन करोगे, सॉरी इंटीग्रेशन करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, k मिलेगा, क्योंकि k के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये हो गया के आई, ये हो गया के एफ, एफ कॉन्स्टेंट, यहाँ पे वन का करोगे तो आपको एक्स मिलेगा, एक्स आई और एक्स एफ। चलो फाइनल कितना है, के एफ माइनस इनिशियल कितना है, के आई एफ, अगेन फाइनल कितना है, एक्स एफ, इनिशियल कितना है, एक्स आई, ये हो गया डेल्टा के, f इंटू हो गया डेल्टा x, और अभी हमने बताया f इंटू डेल्टा x, दैट मीन्स टोटल वर्क डन कितना होगा, w जितना, ये थ्योरी प्रूव हो गई, वर्क एनर्जी थ्योरम। प्रीवियस लेक्चर में वर्क एनर्जी थ्योरम का यही फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, बट आज हमने वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स के लिए पूरा फॉर्मूला डिराइव किया, के? अभी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इलस्ट्रेशन फर्स्ट। इलस्ट्रेशन फर्स्ट में आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी हुई, फोर्स है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और डिस्प्लेसमेंट है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और f और d के बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। तो एंगल के लिए अपने पास फॉर्मूला था ए वेक्टर अगर डॉट बी वेक्टर है, ऐसे लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा,
cos theta is equal to A vector dot B vector और डिवाइड में होगा A. क्लियर? चलो अभी A vector dot B vector अगर करना है तो यही फॉर्मूला को A की जगह पे F कर दें, F B की जगह पे D और F D लिख सकते हैं. डॉट प्रोडक्ट तो हमने समझाई थी, F के लिए पहले लिखो थ्री आई कैप 4j कैप और 5k कैप, और d के लिए 5i कैप 4j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाय f, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 9 प्लस 16 प्लस 25. चलो यहां पे मैग्नीट्यूड कितना होगा, 25 16 और 9. तो cos थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 5 करोगे तो कितना होगा 15. i डॉट i कितना होता है 1. अभी सेकंड के साथ सेकंड का मल्टीप्लिकेशन करो प्लस 16 हो जाएगा, और ये थर्ड का थर्ड के साथ करो तो माइनस 15 हो जाएगा. यहाँ पे आप जानते हो ये अंडर रूट 50, ए बी अंडर रूट 50. चलो माइनस 15 प्लस 15 कैंसल, हो गया 16. 50 रूट 50 रूट 50 तो टोटल कितना हो जाएगा 50. दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 16 डिवाइड बाय 50. ये दोनों के बीच का एंगल आ गया. दूसरा हमें फाइंड करना है प्रोजेक्शन. क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एफ ऑन डी. ये दूसरा क्वेश्चन है. तो प्रोजेक्शन का भी कंसेप्ट बताया था. ये मान लो डी है और ये एफ वेक्टर है, तो एफ का प्रोजेक्शन कहां पे पड़ता है, डी पे. प्रोजेक्शन की वैल्यू क्या होती है, एफ कॉस थीटा. तो अल्टीमेटली हमें फाइंड करना है एफ कॉस थीटा. एफ मतलब मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड तो कैसे होता है अंडर रूट में. चलो वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड होगा 9 प्लस 16 प्लस 25, और कॉस थीटा की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास 16 डिवाइड बाई 50. ये हो गया रूट 50, ये हो गया 60 डिवाइड बाय 50. तो रूट 50, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि रूट 50 है तो 50 है तो उसको 2 टाइम्स रूट 50 लिख सकते हैं. एक रूट 50 कैंसिल, आंसर आया 16 डिवाइड बाय रूट 50. कैलसी में इसका बेटा कैलकुलेशन करोगे 16 डिवाइड बाय रूट 50 का, तो आपको प्रोजेक्शन की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो आज हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स और इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट क्लियर किया. ओके, थैंक यू वेरी मच.